पहले 19 अप्रैल को कभी अभय सिंह जी चौटाला सिरसा अनाज मंडी में उन्होंने विजिट किया था, सिरसा में, अल्लाहाबाद में, माधो सिंघाना में, डबाड़ी में और भी कई मंडियों में। तो उन्होंने जो सरकार की गेहूँ खरीद की जो बकायदगी हैं उनके बारे में उनका बयान था कि अगर सरकार ने इनमें सुधार ना किया तो हम मंडियों का सारे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के और किसान और व्यापारी जो हैं वो मंडियों में जाकर किसानों की समस्या, व्यापारी की समस्या और आर्थिक की समस्या के बारे संज्ञान लेंगे। आज जब हम मंडी सिरसा अनाज मंडी में आए तो सिरसा अनाज मंडी में हम देख के हैरान रह गए कि एक तो जो आज भी तुलाई है वो 600 ग्राम की 50 किलो 600 ग्राम की बजाय 50 किलो 800 ग्राम की हो रही है। एक जो बारदाना है वो दो किस्म का है, एक बारदाना नया एक बारदाना पुराना है। मजदूर आदमी ये कह रहा है कि हमें ये बारदाना जो पुराना है इसकी जो सिलाई है या कहीं भी ये लीक है करता है कहीं से पड़ा हुआ है उसकी सारी सिलाई हमें करनी पड़ती है और उसको पलटना भी पड़ता है। दूसरी हमने जो देखी बात है कि पिछली 10 और 12 तारीख के बाद कोई लिफ्टिंग नहीं हुई और 10 तारीख के बाद कोई भी पेमेंट नहीं हुई जिमीदार को। आज तक पिछली 12 अप्रैल से 10 अप्रैल के बाद आज 12-14 दिन हो गए कोई उनको पेमेंट नहीं हुई। पानी का मंडी में बहुत बुरा हाल है मजदूरों के मुताबिक और बाथरूम जो है उनका भी बहुत बुरा हाल है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार जो है सारे आढ़तियों को एक जैसा बारदाना दे, एक जैसी उनकी लिफ्टिंग करे और सरकार जो है वो 24 घंटे में उठान करे और 72 घंटे में जिमीदार को पेमेंट दे ताकि आढ़ती और जिमीदार रह के किसान जो है मैं उसके बारे में ये कहूँ उनको जो है ये महीना है जिसको हम जेल का महीना भी कह देते हैं ये महीना जिमीदार के लिए सबसे जरूरी होता है क्योंकि जो सौनी की फसल है वो जिमीदार ने 10-15 दिन में उसकी तैयारी करनी होती है। अगर सरकार 15-20 दिन में जिमीदार को पेमेंट लेट करेगी तो आने वाला जो सावनी की फसल है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सही टाइम पे पेमेंट करे, सही टाइम पे उठान करे और जिमीदार को और आढ़ती को सही टाइम पे पेमेंट करे ताकि अगली फसल जो जिमीदार की सही हो सके। इस मंडी में और बातें भी कई जो बकायदगी देखी गई कुछ आढ़तियों का ये भी है कि पर गट्टा उठान जो है पाँच रुपये पर बैग हमारे से ले रहे हैं तब हमारी दुकान से उठान हो रहा है। ये बहुत माड़ी बात है। हम इसके जो बकायदगी है इसके खिलाफ़ अगर सरकार ना चेती तो हम उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। हम आज सारे हरियाणा में जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वर्करों ने सारे इस मंडी का हरियाणा में अलग अलग मंडियों का दौरा किया है उसी के संदर्भ में ही इंडियन नेशनल लोकदल ने सरसा अनाज मंडी का भी दौरा किया है और यहाँ जो बकायदगियाँ हैं वो हम अपनी पार्टी को भी बताएंगे, अपनी पार्टी के लीडर को भी बताएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि आढ़ती और जमींदार को सही टाइम पर पेमेंट हो सके, सही टाइम पर उठा हो सके। सर पहले अभय सिंह चौटाला भी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, सेम समस्याएं थी और सेम समस्याएं आज भी हैं। अभय सिंह जी चौटाला जी जब आए और उस दिन के बाद उठान शुरू हुआ पर जितनी मकदार में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो हम दोबारा इसलिए आज अभय सिंह के उद्देश्य पर ही आए हैं कि सरकार जो है गेहूँ का उठान जो है ना लिफ्टिंग जो है उसको बढ़ाए, लिफ्टिंग जो है जल्दी करे। वहीं सर दूसरी तरफ किसान आंदोलन भी चल रहा है, किसान बार बार जो है सरकार के जो धक्काशाही का शिकार हो रहा है। किसान आंदोलन और ये जो मंडियां वाला सिस्टम है ये जुड़ा हुआ है। सरकार चाहती है कि किसान जो है सरकारी मंडी से निकल जाए, प्राइवेट मंडी में चला जाए, किसान जो है एमएसपी को छोड़ दे, सरकार किसान जो है एमएसपी की डिमांड ना करे, सरकार से किसान कोई भी डिमांड ना करे और इसको सारे को प्राइवेट सौदा कर दिया जाए। उसी के संदर्भ में सरकार जो है जिमीदार को भी तंग कर रही है और आढ़ती को भी तंग कर रही है। उसी लिए किसान वहाँ बैठा है, उसी लिए हम आज
जो इस मंडी में आए हैं उसी संदर्भ में है। किसान का जो आंदोलन है और जो मंडी वालों का आंदोलन है, दो नहीं है, एक ही आंदोलन है। सर, जिस प्रकार आपने तोल को लेकर बताया कि तोल 50 किलो 850 ग्राम किया जा रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि आढ़ती अपनी जगह सही है, लेकिन किसान को चपत लग रही है जो 150-200 ग्राम ऊपर आ रहा है अनाज। आढ़ती अपनी जगह सही नहीं है, आढ़ती सरकार पे दबाव बनाए कि मैंने तोल कर दिया है, आपके मैसेज में किसान जो गेहूँ लेके आया मैंने उसको बैग में भर दिया, आप इसको 72 घंटे में उठान करो, इसका 24 घंटे में उठान करो इसका। अगर आढ़ती सरकार पे दबाव बनाएगा और सरकार जो है 72 घंटे में 24 घंटे में उठान करेगी तो उसको 200 ग्राम ज़्यादा नहीं तोलना पड़ेगा, तो उसका नुकसान तो जिमीदार का है जी हाँ, ना तो सरकार का है उसके उसमें नुकसान है और ना आढ़ती का नुकसान है। आढ़ती का नुकसान ये है कि वो ये पता नहीं 10 दिन में उठेगी 15 दिन में उठेगी, वो सोचता है कि मेरा उस दिन तक मेरा जो गट्टा है उसके मतलब जो वेट है वो कम हो जाएगा, तो उसको जो जैसे जिमीदार सरकार पे दबाव बना रहे हैं उसे आढ़ती को भी दबाव बनाना चाहिए। जिमी कि सर तुम दस कि बारदाना है वो दो तरह का मिल रहा है, की वजह मानते हो इस दत्कार की भी इन्नी ये क्यों किया जा रहा है, बारदाना दो तरीके का क्यों मिल रहा है? बहुत बड़ा कबला है, पिछले बारदाना देख के आए, जो बारदाना पुराना बारदाना है, फटा हुआ बारदाना है और वो हैरान हो गए को चौड़ा नू पहले चावल का वरते हुआ बारदाना है, वो उपर चावल के कई कई दाने मतलब नज़र आ रहे हैं और वो दे ले जड़ा आड़ती है उसको जिन्ना जितों भी वो फटिया हुआ बारदाना है उन्होंने सूतली जी आड़ती लानी पै रही है और मजदूर उसको मतलब मेहनत करनी पै रही पलटना पै रहा और पलटन करके जितों भी उन्होंने कोई लीकेज आकदा सीना पै रहा, मजदूर की जी मजदूरी ज़्यादा दे लग रही है, वो मेहनत ज़्यादा लग रही है और सरकार ने एक की है कि ये बड़ा व्डा कपड़ा जोड़ा है वो करना जा रही है। हल ना हल होया तो खिलाफ अंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है।